told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. हेलो फूडीज, वेलकम टू आवर चैनल फूडी सांड। गाइस, हम आ चुके हैं अहमदाबाद के मानेक चौक में। यार ये जो मार्केट है ना, शायद इंडिया की टॉप की मार्केट होगी इन टर्म्स ऑफ फूड ईटरीज। यहाँ पे इतने सारे फूड ईटरीज हैं कि कोई भी ब्लॉगर इंडिया का कहीं से भी जाए, कहीं भी आए, लेकिन यहाँ ज़रूर आता है। और हमारे साथ हमारी पूरी फैमिली है, अहमदाबाद की फैमिली। और ये मयूर भाई हमारे साथ है, जयदीप है हमारे साथ, सिड है हमारे साथ, और संदीप है हमारे साथ, और कृपाली है हमारे साथ। तो हम सारे आज मानेक चौक में एंजॉय करने वाले हैं। ये हमारे देसी यहाँ के ब्लॉगर्स हैं और कुछ जो अहमदाबाद के लोकल पर्सन हैं, ताकि और काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छा लगता है गाइस जब आप सारे पूरे अलग अलग स्टेट्स में हम जाते हैं तो आप मिलते हैं एक फैमिली की तरह। तो सबसे फर्स्ट जगह हम देखने वाले हैं कृष्णा सैंडविच। अच्छा, यहाँ पे 5-6 तरीके के सैंडविच हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, तो ज़्यादा पेट है, ज़्यादा स्टोरेज है हमारे पास आज। तो हम सब यहाँ का एक एक सैंडविच ट्राई करेंगे और बताएंगे आपको टेस्ट कैसे है। चलिए अंदर चलते हैं। तो ये मेन्यू आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पे नियरली 50-60-70-80 तरीके के सैंडविचेस होंगे, और पीछे पलट दो तो कुछ समझ नहीं आने वाला है। सही है, बढ़िया। थोड़ी थोड़ी हिंदी से मैच होती है वैसे, थोड़ा थोड़ा समझा जा सकता है। भाव रेट हो गया है ना, समझा जा सकता है, सैंडविच हो गया। चलिए भाई, स्पेशल सैंडविचेस ट्राई करते हैं, आगे बताते हैं आपको कौन से लेने वाले हैं और स्वाद बताते हैं उसका। तो भाई यहाँ पे अपना घुघरा सैंडविच, क्या नाम है? घुघरा। घुघरा, ठीक है यार। घुघरा घुघरा सैंडविच बनने वाला है। घुघरा का मीनिंग क्या रहता है? तो इधर घुघरा खाने का आता है। अच्छा, खाने का बटेटा और वटाना का मावा रहता है, उसमें भरता है, वो थोड़ा गोल टाइप का रहता है, उसको तल के बना दे। अच्छा, अच्छा। वो प्रक्रिया दे, वो भी जरूर ट्राई करेंगे अगर कहीं मिलता है ना। तो ये हरी चटनी, धनिया पुदीना वाली चटनी होगी ना? हाँ। और ये बीच में वेजीज में प्याज है और ये कैप्सिकम है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। इतने ज़्यादा सैंडविचेस तो कहीं और नहीं मिलेंगे, और अहमदाबाद में मैंने देखा सैंडविचेस की बहुत सारी दुकानें भी हैं, या मानेक चौक में इतनी सारी है। ये प्रख्यात है। अच्छा, और ये ऊपर से चीज़, जो कि चीज़ की तो बारिश होती रहती है यहाँ पे, है ना, चाहे बीच में हो चाहे ऊपर हो, दोनों जगह डलेगा। क्या बात है, क्वान्टिटी आप देखिए एक बारी, बहुत बढ़िया यार। अब मुझे एक बार वो टेस्ट करना है कि जो ऊपर सिर्फ अब चीज़ डालते पकाते नहीं है, उसका स्वाद कैसे आने वाला है। और ये ऊपर वाली स्लाइस में भी चाहिए ग्रीन चटनी। ये चटनी स्पाइसी रहती है थोड़ी? हाँ, थोड़ी स्पाइसी। अच्छा, ठीक है। तो ये डबल लेयरिंग वाला है, आप देख सकते हैं दो लेयर है, तीन ब्रेड के पीस है, वैसे टोस्ट की तरह बनता है थोड़ा। इसमें बेक हो जाएगा वो। अच्छा, बटर, तो मैंने सुना बटर और चीज का मतलब अहमदाबाद के डाल देते हैं। तो ये सबसे पुराने अंकल जी है। अंकल जी कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 30 साल से। 30 साल से काम कर रहे हैं यहाँ। पहले वहाँ गाजीपुर में। अच्छा, अच्छा। बॉम्बे गुलालवाड़ी। अच्छा, वो अलग। 30 साल में यहाँ हो गए। क्या बात है, आपकी उम्र कितनी है? वो 82। अरे क्या बात है भाई, 82 की उम्र में अंकल जी सैंडविच बना रहे हैं, और यहाँ पे अंकल जी ही पकाएंगे हमारे सैंडविच सारे। सही है, सारा काम अंकल जी के हाथ में ही है। क्या बात है, 82 ईयर्स के अंकल जी भाई इतना तेज से काम कर रहे हैं यहाँ पे, कमाल अंकल जी भाई। सही, काम बहुत फास्ट है। एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा कॉमन लगी यहाँ पे भाई, मैंने जितने भी कार्ड देखी ना, चीज़ की बारिश हो रही है हर कार्ड पे। भाई बस स्पीड देखिए, भैया को देखने की जरूरत ही नहीं है नीचे। आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं देखते हैं भी खीरे काट रहे हैं, एक्सपीरियंस है भाई ये। क्या बात है, तो भैया घुघरा सैंडविच हमारा बन चुका है। ग्रीन चटनी ऊपर भी थी, ऊपर वाली स्लाइस पे, अंदर वाली स्लाइस पे भी थी, और आपको एक्स्ट्रा भी मिलने वाली है। और फिर आ गया बटर, बहुत सारा लाइए। ये घुघरा सैंडविच है स्पेशल, ठीक है। अरे बटर इतना डालते हैं वीडियो के लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा डाले? नहीं नहीं, इतना ही डालते हैं। अच्छा, आप करें टेस्ट करें। बिल्कुल 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 करते हैं। देखिए सिड भाई, आप तो आइए, आपके लिए तो खैर वैसे बहुत कॉमन ही है, बट फिर भी दिखा देते हैं कि कैसा रहता है सैंडविच। बिल्कुल,
बटर देखिए, अंदर चीज़ बहुत ज़्यादा डाली हुई थी, सही है। मैंने सुना कच्ची चीज़ मिलती है तो पक गया, पर यहाँ पे चीज़ पक गई है। यहाँ पे पक गया। कच्ची वाली सैंडविच होती है वो उसमें पूरा ऊपर से ग्रेट करके डाल देते हैं, लेकिन ये सैंडविच में आपको पका के मिलेगी चीज़। ओ भाई, चीज़ से भरा पड़ा है, बहुत कमाल, बहुत कमाल भाई, बहुत सॉफ्ट लग रहा है खाने में। बस अब अंदर जो वेजीज डाली है वो फील हो रही है, स्पाइसी रहेगा थोड़ा, क्योंकि दो दो बार ग्रीन चटनी, एक्स्ट्रा भी ग्रीन चटनी दे रहे हैं, तो वो चीज़ तो है। ये चीज़ पाइनएप्पल बनेगा, ठीक है। ये बटर आ चुका है ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कौन सा बटर यूज़ होता है? अमूल। यहाँ अमूल रहता है, दिल्ली में भी अमूल चलता है काफ़ी ज़्यादा। ये पाइनएप्पल जाम, ये जैम है, पाइनएप्पल वाली है, ठीक है। फिर भाई पाइनएप्पल का एक्चुअल पीस है, ये ऊपर जैम डाली फिर पाइनएप्पल डाला, और ये आ गई चीज़। चीज़ के बिना यहाँ पे कुछ पूरा नहीं हो सकता है ना। घर में भी चीज़ खाते हो क्या आप? हाँ खाते हैं, रेगुलर। अच्छा ठीक है, चीज़ और बटर के बिना सैंडविच अच्छी नहीं लगती। अच्छा सही है, तो यहाँ पे बटर में यहाँ पे भी अमूल चलता है? हाँ अमूल ही, प्योर अमूल, ये देखा ना आपने, ये रहा ना अमूल। हाँ 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 सही कह रहे हो। चलिए रेडी है सर, ठीक है। ये हमारा चीज़ वाला आ गया ना, चीज़ पाइनएप्पल, आइए इसे ट्राई करें। आइए भाई ये वाला ट्राई करते हैं एक बार। ये आपने कहा था कि मुंह में जाते घुल जाता है। हाँ अंदर मुंह में जाते पता नहीं चलता, डायरेक्ट अंदर चला जाता है। अच्छा चबाना नहीं पड़ेगा। अच्छा वैसे पूरी सॉफ्ट वाइट ब्रेड है, कोई पका ही नहीं है। आइए ट्राई करते हैं, आप भी उठाइए ना, प्लीज लीजिए ना। ये मैं स्पेशली रिफर करूंगा कि भाई वो छोटे बच्चे हैं ना, इनको बहुत कमाल का लगने वाला है। बिल्कुल यार बहुत बढ़िया। ठीक है, ये चॉकलेट रबड़ी आइसक्रीम है, ठीक है। ये बटर आ गया ऊपर, और ये क्या डाल रहे हैं आप? रबड़ी है। ये रबड़ी है, अच्छा ठीक है, बढ़िया। बटर के ऊपर रबड़ी है, ये चॉकलेट वाला है साइड में, ये भाई चोको चिप्स, बीच में आएगी भाई चीज, चीज बटर के बिना सब कुछ अधूरा है। यहाँ पे पहले आइसक्रीम आएगी, पहले आइसक्रीम आएगी, ठीक है। फिर ये चोको चिप्स, और फिर आएगी चीज। अब कई लोगों का डाउट रहता है, जैसे कि पिछले सैंडविच में भी रहेगा कि चीज के यहाँ पे क्या काम, लेकिन भाई बहुत कमाल का स्वाद दे रहा था यार। चलिए इसको ट्राई करते हैं। ऑयल बटर है भैया, दिल्ली, दिल्ली में आएंगे। हाँ हाँ दिल्ली में आएंगे पक्का, पूरे इंडिया में आएंगे। दिल्ली में मिल रही है क्या ऐसा पाइनएप्पल? नहीं नहीं दिल्ली में नहीं मिलेगा ऐसा, ये सब दिल्ली में खुल जाए तो आपको मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ऊपर से और चीज, क्या बात है यार, ये ऊपर से जो एक्स्ट्रा चीज है बिना पकाए डालते हैं ना, ये कुछ अलग चीज है। चलिए इस वाले सैंडविच को ट्राई करते हैं। आपने कहा कि रबड़ी आइसक्रीम चॉकलेट सब है इसके अंदर, चीज भी, चीज तो हर के अंदर है। ट्राई करते हैं, और एक बाइट बीच में से। मेरा ये डाउट था कि जो कच्ची चीज आती है मुझे स्वाद बिगाड़ेगी तो नहीं, बट नहीं बिगाड़ेगी, एक्स्ट्रा ऐड करती है। वीडियो में देख के लगता है कि क्या काम है इस चीज का बिना पकाए, लेकिन स्वाद देती है, पूरा देती है, बढ़िया लग रहा है, एकदम सॉल्टी हो जाता है आइसक्रीम के साथ, सॉल्टी बढ़िया रहता है। तीनों ही सैंडविच बहुत ही अनदर लेवल के थे भाई, मजा आ गया खा के यार। मतलब कि एंकर जी हमारे साथ में, सर तीनों ही सैंडविच थे और गजब लग रहे थे, चाहे वो चीज चॉकलेट हो, चाहे वो आपका वो घोघरा, क्या नाम था, घुघरा, घुघरा सैंडविच, मजा आ गया यार भाई, अलग अलग लेवल के थे। रेट्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे गाइस, एक बार आपको जरूर ट्राई करने चाहिए। कृष्णा जी के स्पेशल सैंडविच बहुत गजब है। कितने साल पुरानी, कितनी है दुकान? ये 50 साल, 50 साल हो गए।
तो चलिए भाई लाइक जरूर करें वीडियो को, और सच में रिकमेंडेड मोस्ट रिकमेंडेड प्लेस पे रहेगी मेरी तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं।